महिमा देखिए, सबसे पहले तो इस भारी संख्या में जो एक जन सैलाब उभर कर के आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में आया, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को एक विशाल जन सभा का जो स्वरूप देने का काम इस क्षेत्र की जनता ने किया है, उन सभी का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, लोकसभा की हमारी जान इस क्षेत्र की कैप्टन अजय यादव जी, बहुत बड़े बड़े नेता उनके सहित इस मंच पर आए हैं। सभी नेताओं का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस कार्यालय का आपने उद्घाटन किया, उसे तोड़ने की भी धमकी दी गई है, क्या कुछ किसने धमकी दी और कौन अधिकारी है जो आपको? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार की गतिविधियाँ इस कार्यालय के सामने चल रही है। विभिन्न प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है और रोज एक नया नोटिस ऑफिस को तोड़ने का लेकर के आते हैं। जब इस मामले की तह तक जाने का मुझे मौका मिला तो उसमें निकल करके आया कि माननीय हमारे इस क्षेत्र के जीते हुए जनप्रतिनिधि माननीय PWD मंत्री जी किसी भी प्रकार से इस कार्यालय को, जो जन कल्याण की नीति इस कार्यालय से चलती है, उनको रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती प्रशासन की तरफ से प्रेशर बनाए। वजह क्या मानते हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं? देखिए, वजह मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 सालों में जो जनता का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद एक युवा चेहरे को मिल रहा है, शायद कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। गंभीर राजनीति आपने की है, क्या लगता है कि भाजपा से जो मजबूत कैंडिडेट जो माने जाते हैं, हालांकि काफ़ी समय से वो भी कांग्रेस में सक्रिय रहे, कैसे आप मानते हैं कि अपने आप को मजबूत? देखिए, आदरणीय अशोक तंवर जी ने मन से एक चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता केवल एक ही काम है, बूथ पर जाकर के युवाओं को जोड़ना, बुजुर्गों को जोड़ना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। उसी विचारधारा को आगे लेकर के जाते हुए बादशाहपुर विधानसभा के पूरे 331 बूथ पर मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। उसके बाद जो भी पार्टी फैसला लेगी, नेतृत्व जो फैसला लेगा, वो हम सभी के लिए पूरे सरमानी। मंत्री रामनाथ जी की फर्जी डिग्री कमी, थोड़ा पीछे पीछे पहले पीछे कर, क्या इसको अपने पूरे विधानसभा में ले जाकर जनता के? सबसे पहले तो RTI एक्टिविस्ट धिंगड़ा जी का मैं इस चीज़ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बात को हमारे समक्ष में रखा, RTI लगाई उन्होंने, और उसमें पता लगा कि जो 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2014 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा, उस सभी में अपनी शैक्षणिक योग्यता गलत बताई गई। 10वीं से लेकर के 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन की जो उनकी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जिस विश्वविद्यालय के वो सर्टिफिकेट हैं, वो UGC की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिस्ट में कहीं, जो कि सीधा सीधा चुनाव आयोग का उल्लंघन। अब ये जनता तक पहुंचाएंगे पूरे बूथ स्तर पर, जब आप जो कह रहे हैं कि तमाम बादशाहपुर से आप साथ जुड़ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर आज आप मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मजबूत इस विधानसभा में पिछले कुछ समय से हो रही है, आप सभी के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, एक एक गांव तक इस बात को मैं पहुंचाने का काम।